Hello everyone, I am Samil Islam and today in this video I am going to discuss questions from Cauchy's residue theorem. And this part is very important for both in CSIR, NET, GATE, TIFR, JEST, every exam. Okay, so this part is very important part. Okay, so यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे जो है आज से जो है एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं हर संडे को आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं कुछ टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम में मैं यहाँ पे आज जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए कि तीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जो इन तीनों क्वेश्चन में जो जरूरी है, मतलब सॉल्व करने के लिए, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज हमें जानने की जरूरत है, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये एक थ्योरम है मैथमेटिक्स का जो कि क्लोज लाइन इंटीग्रल किसी भी एनालिटिक फंक्शन का सॉल्व करने में बहुत ही पावरफुल एक मैथमेटिकल टूल है। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम जो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है कि किताबों में, एफ ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यूज। सो यहां पे जो है कि ये तो हमें मिल गया फॉर्मूला, ठीक है। अब रेसिड्यू निकालने का भी, जो रेसिड्यू जो यहाँ पे 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यू है, अब रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। तो अगर हमें ये कई चीजों की मतलब समझ और नॉलेज या याद, ये तीन चीज हो जाए, तो हम यहाँ से जो है क्वेश्चन आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहला यहाँ पे रेसिड्यू कहाँ निकालते हैं हम लोग, रेसिड्यू निकालते हैं सिंगुलरिटी पोल, सिंगुलरिटी सिंगुलर पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। तो जैसे कि सिंगुलरिटी कितने टाइप का होता है, सिंगुलरिटी आपको दिखाई देगा कि तीन टाइप का सिंगुलरिटी आपको दिखाई देगा। एक तो होगा पोल सिंगुलरिटी, एक हो जाएगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी और एक हो जाएगा एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम में जो है कि आपको सिर्फ पोल सिंगुलरिटी और एसेंशियल सिंगुलरिटी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। तो और यहाँ पे कोई क्वेश्चन उस तरीके का हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी से सॉल्व करना होगा। तो जो है कि पोल सिंगुलरिटी और एसेंशियल सिंगुलरिटी से ही हम लोगों को सॉल्व करना होता है, रेसिड्यू निकालना होता है। तो पहला जो है हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे एफ ऑफ जेड का, अगर सिंगुलरिटी पोल सिंगुलरिटी है, जेड इक्वल्स टू ए इज पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑफ एफ ऑफ जेड, अगर ऑर्डर एम का पोल है जेड इक्वल्स टू ए, तो रेसिड्यू कैसे होगा, रेसिड्यू ऐसे निकालेंगे रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू ए, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वन बाय एम माइनस वन। एम क्या है, एम है ऑर्डर ऑफ द पोल, यहां पे क्या है लिमिट जेड टेंस टू ए डी टू द पावर एम माइनस वन, डी टू द पावर एम माइनस वन डी जेड टू द पावर एम माइनस वन किसके ऊपर अप्लाई होगा, यहाँ ये डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा जेड माइनस ए होल टू द पावर एम इन टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये होगा कि पोल सिंगुलरिटी, एक जिस पोल ऑफ ऑर्डर वन जब होता है, ठीक है, तो पोल ऑफ ऑर्डर वन जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पोल। तो अगर जेड इक्वल्स टू ए इज सिंपल पोल, तो हमें
बहुत एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई देगा कि रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एड जेड जेड इक्वल्स टू ए ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू पी ए ओवर क्यू डैश ए, जहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है पी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ जेड है। तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे एम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से भी ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एम की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, किसी भी सवाल को आप ये वाला याद भी नहीं रख याद भी नहीं रखे, ये वाला याद रखे सिर्फ तब भी हो जाएगा काम, लेकिन ये वाला याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको क्या करना होता है, आपको टाइम सेव करना होता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है यहाँ पे है एसेंशियल सिंगुलरिटी, अगर हो जेड इक्वल्स टू ए, अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी हो एफ ऑफ जेड का तो क्या होता है, रेसिड्यू तब होता है रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए होता है कोफिशियंट ऑफ 1/z माइनस ए इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे जो आपको चार फॉर्मूला, ये तो मतलब मेन फॉर्मूला है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, और ये तीन रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला आपको मतलब रट्टा मार लेना है पूरा अच्छी तरीके से। ये चीज जो है मैं जो आज जो इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आप लोग समझने की भी कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे इन सारे क्वेश्चन में एक और चीज हम लोगों को जरूरत होती है समझने की। तो यहाँ पे एक जो क्लोज इंटीग्रल दिया होता है वो एक सर्कल का पाथ में दिया होता है, ठीक है, कभी क्लॉकवाइज दिया हुआ होगा, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन जो होता है जेड माइनस सेंटर होगा, ठीक है, दोनों तरफ मॉ ए अंडर मॉड इक्वल्स टू रेडियस, ओके। तो जैसे कि कहीं पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए जेड माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे सेंटर कहाँ होगा, सेंटर होगा 4 में, यानी यहाँ ये जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट है। अच्छा, रेडियस कितना है, 3 है, यानी इस तरफ 3, रेडियस 3 यानी इस तरफ 3, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 7, इस तरफ 3 इधर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 1, यानी रेंज कितना हो गया इसका, यहाँ 1 इधर 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो सवाल जो पहला है वो सवाल है द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल टू द पावर 4 dz, वेयर सी इज ए सर्कल डिफाइंड बाय मॉड z दैट इज इक्वल्स टू 3। यानी मॉड जेड दिया हुआ है, यानी इसका सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, सर्कल का सेंटर है 0 पे, रेडियस कितना है, रेडियस है 3। और यहाँ पे आप लोगों को पूछा है ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका वैल्यू कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो आपको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, जैसे कि फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है ई टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 होल टू द पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पहला काम क्या होगा, पहला काम फंक्शन लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग कि पहले हम लोग मतलब यहाँ पे पहले देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे हम लोग फंक्शन को पहले गौर करेंगे, गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या है जेड, यहाँ पे है जेड प्लस 1, यानी ये वाला वेरिएबल टोटल वेरिएबल और ये अलग है, यहाँ पे जेड प्लस 1 है, यहाँ पे जेड है। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ अभी वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करके रखिए कि जेड प्लस 1 है नीचे, ऊपर है जेड। तो चलिए वो चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों ये आपको यहाँ पे देखने के लिए कहा। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस ई टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 होल टू द पावर 4 है, यहाँ पे ये जो है सर्कल का 0 और यहाँ पे प्लस 3 यहाँ माइनस 3, सर्कल इस तरीके से आएगा। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, पहला जो स्टेप हम लोगों को लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो है डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0।
इससे हम लोग पता करेंगे कि पोल, तो पोल यहां से निकालेंगे, तो यानी z प्लस वन होल टू द पावर फोर, यहां पे जीरो पुट किया हमने, तो हम लोगों को मिला z इक्वल्स टू माइनस वन। यानी हम लोग यहां से कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू माइनस वन इज पोल ऑफ ऑर्डर फोर, क्योंकि यहां पे पावर जो है फोर है, यानी z इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, चार बार माइनस वन मिला, इसी वजह से पोल ऑफ ऑर्डर फोर। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले ही कि कैसे m ऑर्डर का पोल का रेसिड्यू निकालते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है फिर से कि रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू वन बाई एम माइनस वन होल फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a d टू द पावर m माइनस वन dz टू द पावर m माइनस वन ओवर z माइनस a होल टू द पावर m इंटू f ऑफ z। अच्छा, तो अब जो है हम लोग फंक्शन को पुट करेंगे और यहाँ पे जो है ये जो पोल जो है वैल्यू z की वैल्यू है उसको भी लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे आएगा रेसिड्यू z इक्वल्स टू माइनस वन पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा फंक्शन, ये वाला यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख दिया हमने फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पोल कितने ऑर्डर का है, फोर ऑर्डर का है, तो यानी फोर माइनस वन दैट इज थ्री, सो यहाँ पे मिल गया वन बाई थ्री फैक्टोरियल, ओके। फिर ये वाला लिमिट z टेंस टू माइनस वन, यहाँ पे m माइनस वन है यानी डी क्यूब बाई डी टू डी z टू डी z क्यूब हो गया। यहाँ पे z माइनस a होल टू द पावर n, यहाँ पे देखिए यहाँ पे z माइनस a, माइनस a क्या है, a है माइनस वन, यानी यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, यानी z प्लस वन होल टू द पावर कितना हो जाएगा m है, यानी फोर इंटू फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला z प्लस वन होल टू द पावर फोर और नीचे भी है z प्लस वन होल टू द पावर फोर, यानी ये चीज जो है कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम लोगों को मिला ये तो थ्री फैक्टोरियल है, यानी वन डिवाइडेड हमको क्या मिला, थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। अच्छा, लिमिट z टेंड्स टू माइनस वन, और इसको तीन बार यहाँ पे e टू द पावर टू जेड है, तो तीन बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एट e टू द पावर टू जेड मिलेगा। अब हम जब लिमिट पुट करेंगे तो हम लोगों को मिला फोर बाई थ्री e टू द पावर माइनस टू। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है, थ्योरम है e टू द पावर टू जेड z प्लस वन होल टू द पावर फोर दैट इज इक्वल टू टू पाई आईटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, यानी यहाँ पे तो एक ही रेसिड्यू हम लोगों ने निकाला और एक ही रेसिड्यू है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 4 बाई थ्री ई टू द पावर माइनस टू, टू पाई आईटा मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई थ्री ई टू द पावर माइनस टू, तो हमको मिला 8 पाई आई ओटा डिवाइडेड बाई 3 ई टू द पावर माइनस टू। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो बहुत आसानी से हम लोग जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें तरीका और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो z इक्वल्स टू अगर आपको फोर मिलता या फाइव मिलता या माइनस फोर मिलता माइनस फाइव मिलता यानी इस सर्कल के बाहर मिलता, ठीक है, तो आपका जो चीज यहाँ पे आपको मिल जाती इस इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे पोल अगर इस सर्कल के बाहर आता तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलती, जीरो मिलती, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, यहां पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी जेड ओवर जेड माइनस थ्री इफ सी इज द सर्किल दैट इज जेड माइनस टू मॉड ऑफ जेड माइनस टू दैट इज इक्वल टू फाइव इज, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे जो है पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है, यहां पे 1 बाई जेड माइनस थ्री है यहाँ का फंक्शन। अच्छा, तो क्या करेंगे, पहला काम क्या है, पहला काम तो है डिनोमिनेटर जीरो करेंगे। तो चलिए डिनोमिनेटर जीरो करते हैं, z माइनस थ्री डेट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ पे आपको मिला z इक्वल्स टू थ्री। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक सर्कल आपको दिया हुआ है z माइनस टू इक्वल्स टू फाइव, यानी इसका सेंटर क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट पे होगा। अच्छा, रेडियस कितना है, फाइव, यानी टू से फाइव यानी सेवन इस तरफ और टू से इधर फाइव यानी माइनस थ्री यहाँ पे आएगा, यानी वेरी कर रहा है माइनस थ्री टू सेवन, ठीक है। अच्छा, आपको कितना मिला, पोल कहाँ पे मिला, जेड इक्वल्स टू थ्री में, पोल कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, यानी आपको
इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि तो यहाँ पे जो है जेड इक्वल्स टू 3 मिला, तो ये क्या कितने ऑर्डर का पोल मिला आपको, पोल ऑफ ऑर्डर 1, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं सिंपल पोल। तो सिंपल पोल मिला आपको। सिंपल पोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू ए एफ ऑफ जेड, दैट इज पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यू डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, सो हियर द न्यूमरेटर, दिस वन इज द न्यूमरेटर एंड दिस वन इज द डिनोमिनेटर। तो पहला जो है न्यूमरेटर में जेड की वैल्यू पुट कर, जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 पुट करेंगे, यानी यहाँ पे जेड के कोई जेड कुछ है, जेड का तो कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 1, यानी यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा चलिए नीचे का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1/1, यानी जेड की वैल्यू कहीं पे पुट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे मिला ही नहीं जेड, तो 1/1 मिला, यानी आपको रेसिड्यू क्या मिल गया, रेसिड्यू मिल गया 1। तो ठीक है। अच्छा अब जो है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एफ ऑफ जेड डी जेड डेट इज इक्वल टू 2πiota इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, यानी आपको इस इंटीग्रेशन का जो मिलेगा 2πiota इंटू 1, यानी 2πiota। तो ऑप्शन बी क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत आसान सा अप्रोच आपको करना हो रहा है और बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व भी होता है, और इस पे जो है नंबर भी आपको मिलने की पूरी, आप अगर सही से करो, मतलब पूरा फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप आप अगर संभाल के करो एग्जाम हॉल पे, तो आपको जरूर यहां से नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यहां पे एक चीज देखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 6 डी जेड, कितना होगा इसका वैल्यू। यहाँ पे सर्कल जो क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल जो है जेड मॉड जेड दैट इज इक्वल टू 5, यानी इसका सेंटर जो है 5, यानी ये वेरी कहाँ से कर रहा है, -5 से +5 तक कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो है, फंक्शन पहले लिख दिया हमने, तो चलिए फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, यानी यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर 6 है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, किस पॉइंट पे, डिनोमिनेटर को 0 के लिए, यानी जेड इक्वल टू 0, तो 0 ऊपर भी नीचे भी, तो जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन जो है ये जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो फंक्शन को आप अब एक्सपेंशन में, अच्छा मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे आपको बोला था कि आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए मैं ले जाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का, यहाँ पे नीचे वेरिएबल क्या है, z प्लस 1, यहाँ पे क्या है, z है, सेम नहीं है यहाँ सेम, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से होता अगर e टू द पावर 2z और यहाँ पर भी 2z होल टू द पावर 4, या यहाँ पे z प्लस 1 होल टू द पावर 4 है, यहाँ पे अगर e टू द पावर z प्लस 1 होता तब ये चीज जो होता, तब यहाँ पर भी हमें एसेंशियल सिंगुलरिटी का देखने को मिलता। तो वही चीज पहले हम लोगों को, अगर यहाँ पे ये वेरिएबल अगर सेम ना हो, जैसे कि यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पोल से डील करेंगे। लेकिन अगर हमें जो मिला यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर भी जो वेरिएबल और नीचे का भी जो वेरिएबल है दोनों ही सेम है, साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड, यानी जेड टू द पावर 6, नीचे भी जेड है ऊपर भी जेड है, तो यहाँ पे जो है आपको पोल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी, एक्चुअली क्या चीज होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी आपको इनफाइनाइटली टर्म मिलते जाएंगे, ठीक है ना। पोल में तो मान लीजिए कि जेड इक्वल टू 0 एक ही पॉइंट पे आपको मिल रहा है, ठीक है, या दो पॉइंट पे मिल रहा है, यानी फाइनाइट है वो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ यहाँ इनफाइनाइट टर्म पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म है जो फाइनाइट नहीं है, तो उसी में हमको एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है। तो जैसे कि फंक्शन को एक्सपेंड किया हमने, यहाँ पे साइन जेड क्या होता है, जेड माइनस
जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो ऑन। नीचे क्या है, जेड टू द पावर 6 है। तो ये चीज हमको एक्सपेंड करके मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को मिला कि z इक्वल्स टू जीरो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, और जिस पॉइंट पे नहीं डिफाइन होता है वही सिंगुलर पॉइंट होता है, और यहाँ पे z इक्वल्स टू जीरो जो है ये कौन सा सिंगुलरिटी हो गया, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटी का भी फॉर्मूला हमने रेसिड्यू निकालने का देखा था। क्या देखा था, ये रेसिड्यू z इक्वल्स टू a f ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z माइनस a इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z। चलिए देख लेते हैं, इस एक्सपेंशन में 1 बाई जेड माइनस ए, ए क्या है, ए है जीरो, यानी 1 बाई जेड का कोफिशियंट क्या होगा, यानी यहाँ पे तो जेड है, यानी नीचे जेड टू द पावर 6 है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 1 बाई, नीचे आ जाएगा जेड टू द पावर 5, यहाँ जेड स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ आपको मिल रहा है देखिए 1 बाई जेड, ऊपर है जेड टू द पावर 5, नीचे जेड टू द पावर 6, यहाँ आपको मिल रहा है 1 बाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर तो आपको ऊपर जेड मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में जेड चाहिए। तो यही वाला टर्म जो है, एक ही टर्म है, तो यही वाला टर्म जो है आपको लेना पड़ेगा। तो इस टर्म का जो है कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट है प्लस 1/5 फैक्टोरियल। तो आपका इस फंक्शन का जो है रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू जीरो पॉइंट पे क्या मिला, 1/5 फैक्टोरियल मिला आपको, ठीक है ये चीज। तो अब आपको क्या पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कर दीजिए 2πiota इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे साइन z डिवाइडेड बाई z टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 2πiota इंटू 1/5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 60, 5 फैक्टोरियल यानी 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये वाला पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 60 आपको मिल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए वीडियो यहीं तक, हम लोग जो है ये वाला वीडियो यहीं तक सिर्फ, आने वाले वीडियो जो है आने वाले संडे को आपको मिल जाएगा, और वो एक कोई इम्पोर्टेंट किस टॉपिक में होगा, वो भी उसी इसी तरीके से इसी अंदाज में। जो प्रॉब्लम हम लोग जो है कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम करने के लिए यहाँ पे ये वाला चैनल मेरा जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इस चैनल का मोटिव यही है। और यहाँ पे आप लोग को उतना कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम अप्रोचिंग ये मैं वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पे लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।